भारत में किलों की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में कई राजाओं ने राज किया और अपने राज्य की सुरक्षा के लिए किले भी बनवाए। या ऐसे कई प्राचीन किले हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। एक ऐसा ही किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुर्द में स्थित है, जिसे मुर्द जंजीरा किले के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से 90 फीट की ऊंचाई पर बने इस किले की खासियत यह है कि यह बीच समुद्र अरब सागर में बना हुआ है। मुर्द जंजीरा किला भारत के पश्चिमी तट का एकमात्र ऐसा किला जो कभी भी जीता नहीं जा सका। ब्रिटिश, पुर्तगाली, मुगल, शिवाजी महाराज, चिमाजी अप्पा और संभाजी महाराज ने इस किले को जीतने का काफ़ी बार प्रयास भी किया, लेकिन इनमें से कोई भी सफल नहीं हो पाया। यही वजह है कि 350 साल पुराने इस किले को अजेय किला कहा जाता है। मुर्द जंजीरा किले का दरवाजा दीवारों की आड़ में बनाया गया, जो किले से कुछ मीटर दूर जाने पर दीवारों के कारण दिखाई देना बंद हो जाता है। यही वजह रही होगी कि दुश्मन किले के पास आने के बावजूद भी चकमा खा जाते थे और किले में घुस नहीं पाते थे। इस किले का निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं शताब्दी में हुआ। इसका निर्माण 22 साल में हुआ। 22 एकड़ में फैले इस किले में 22 सुरक्षा चौकियां हैं। यह सिद्दीकी शासकों की कई तोहफें अभी भी रखी हुई है, जो हर सुरक्षा चौकी में आज भी मौजूद है। यह किला 40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। माना जाता है कि यह किला पंच पीर पंजातन शाह बाबा के संरक्षण में है। शाह बाबा का मकबरा भी इसी किले में स्थित है। इस किले में मीठे पानी की एक झील है। समंदर के खारे पानी के बीच होने के बावजूद यहाँ पानी मीठा आता है। यह मीठा पानी कहाँ से आता है, यह अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ज़रूर दबा लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।